भारत पुनः से सभी संघ में आए और ये जो ताजमहल बने 1632 साल में, मतलब 104 साल के बाद, तो ये पैसा कहाँ से आया? 104 साल अगर मुगल इधर रहे, वो लोग वापस अब जहाँ से आए थे वहाँ नहीं गए, मतलब यहीं से पैसा मतलब इकट्ठा किए, किससे पैसा लिया? हिंदू लोगों से पैसा लिया, लूटपाट करके, लूट मार करके, बहुत राजाओं को मार के, हम लोग का हिंदू जो राजा थे उनसे पैसा लेके ही लूटमार करके, चोर डकैती करके पैसा लिया और मुगलों ने ये ताजमहल बनाया, दूसरे जो भी बनाया। अगर मंदिर 1200 साल में जो यदि जगन्नाथ मंदिर बन सकता है, हिंदू राजाओं ने, हिंदू लोग ने बनाया है, अगर केदारनाथ मंदिर, इलोरा जो कैलाशनाथ मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर हो, आज अगर मुंडेश्वरी मंदिर हो, ये सब मंदिर अगर मुगल आने के आगे हम लोग का हिंदू राजा, हिंदू लोग ने बनाए हैं, तो हम लोग बड़े बड़े अभी भी जो बने हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सारे देश के लोग सहायता किए, थोड़ा थोड़ा लोहा दे के जो विश्व के टॉलेस्ट जो मूर्ति सदैव बड़े बड़े पत्थर के नाम से स्टेचू मान यूनिटी जो बने हैं, सारे विश्व के लंबा जो मूर्ति अगर हम लोग बना सकते हैं, तो इससे बड़ा बड़ा हम लोग मंदिर हो या भवन बना सकते थे। जो मुगलों ने अन्याय किया यहाँ आके, हम लोग का ही पैसा लूट मार के जो बनाया, बहुत छोटा, जो हम लोग इससे बड़ा बनाने का हम लोग का समर्थ है। ठीक है।